हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल टिश्यू के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th एनिमल टिश्यू टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाइल डूइंग वर्क इन रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड लेग्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारे हाथ और लेग्स तो किस मसल से बने, पहले सोचें, स्केलेटल मसल्स यानी कि स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि टेंडन जो है वो मसल्स और बोन को जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। सो आंसर इज गोइंग टू बी डी, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन्स टू मूव द बोन्स। विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री, सेकेंड क्वेश्चन, विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो आपके बस में नहीं है, विच इज नॉट अंडर योर विल, यू कैन नॉट मूव। कौन सी मसल्स हैं? स्ट्राइटेड मसल्स तो स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो आंसर हमारा सेकेंड एंड थर्ड यानी स्मूथ और कार्डियक मसल होगा। स्मूथ मसल्स को आप नहीं मूव कर सकते, जैसे कि आपके इंटेस्टाइन, स्टमक की मसल्स, और कार्डियक मसल्स आपकी हार्ट की मसल्स, इन्हें हम अपनी मर्जी से नहीं मूव कर सकते। सो आंसर क्या है? बी, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड्स वर डिसलोकेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन। बताइए कौन सा हो सकता है? दो बोन्स, तो दो बोन्स को ज्वाइन करने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है लिगमेंट। सो यहाँ पे लिगमेंट ब्रेक हुआ है, सी, लिगमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स, बिल्कुल सही। टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, बिल्कुल सही। टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, नो। टेंडन्स जो है वो वाइट फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है, नो दिस इज रॉन्ग। कार्टिलेज तो बिल्कुल फॉर्म ही है, फ्लेक्सीबल है, कनेक्टिव टिश्यू है। So answer is C. Question number 5, cartilage is not found in, कहाँ पे cartilage नहीं मिलता? Cartilage nose में भी है, ear में भी है, kidney में नहीं होता, larynx यानी आपके voice box में भी होता है cartilage. So answer is C, kidney. Question number 6, fat जो है वो कहाँ store होते हैं body में? Fat storing tissue को कहते हैं हम adipose tissue. So answer is B, एडिपोज। एडिपोज जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडिपोसाइट सेल्स, जो स्टोर करते हैं फैट ग्लोब्यूल्स को। क्वेश्चन नंबर 7, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन मैट्रिक्स किस में रिच है? बोन्स हमारी कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है उनका मैट्रिक्स। सो आंसर इज बी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, देखो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काम है मसल्स का, तो आंसर इज सी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन मसल्स। क्वेश्चन नंबर 9, वॉलंटरी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? वॉलंटरी मसल्स यानी कि जो आपके बस में है स्केलेटल, तो आपके लिम्स में पाई जाती हैं, हाथ पैर। आंसर इज बी। स्टूडेंट्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।